Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Pictures so perfect we play through Hello guys, good evening I hope all of you are fine and healthy and you are keeping yourself safe from this new variant It's 5 in the evening 5 and 5 hours, I started my vlog at 5 pm और मैं अभी शाम की चाय पीने के लिए बैठी हूँ इस ठंडी ठंडी हवाओं के बीच मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको ठंड में ना ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं पसंद नहीं आती वो ठंड में नहीं बैठना चाहते पर मैं थोड़ी सी अलग हूँ कि मुझे ठंडी ठंडी हवा आती है ना ठंड में मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब ठंड में आइसक्रीम खाना ठंड में कोल्ड ड्रिंक पीना ठंड थंद में ठंडी ठंडी हवाओं में बैठना आई डोंट नो मुझे क्यों तो इतना अच्छा लगता है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ठंड भी बहुत कम लगती है मतलब काफ़ी रेयर है कि मुझे ठंड किसी दिन लगेगी जब बारिश वारिश आ जाती है अदरवाइज़ ठंड का इफेक्ट मुझ पर इतना ज़्यादा नहीं होता हाँ जब पानी में हाथ लगाओ तो पता चलता है कि अभी ठंड आ रही है तो अभी मैं बैठी हूँ सीढ़ियों के पास और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं मौसम भी ठंडा है मतलब शाम के पाँच बजे जहाँ दिल्ली में कल लगातार बारिश हुई थी पाँच तारीख को आज नहीं हुई है आज मौसम ठंडा ठंडा है लेकिन अच्छा लग रहा है तो अभी शाम में चाय पीने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ एक अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा आगे क्या क्या होता है ये क्लिप दोपहर की है शायद दो या तीन बजे की जब मैं छत पे आई थी देखने के लिए कि पौधे कैसे हो रहे हैं आंटी जो हमारे पड़ोस में रहती हैं उनका भी चैनल है वाटिका के नाम से और वो पौधे मतलब उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं और बहुत केयर भी करती हैं और बताती भी हैं कैसे उनकी केयर की जाए तो वो आई थी छत पे और उन्होंने आकर देखा और मुझे एक दो पौधे भी दिए उन्होंने और पौधे मैंने लगाए तब तब तक मैं पौधे देख रही थी तो जो लहसन मम्मी जी लगा के गई थी कुछ लहसन हो चुके थे मम्मी जी इसमें आलू भी डाला है प्याज भी डाला है और जो पौधे हम खरीद के लाए थे मैं उसको भी देख रही थी आप देखिए कि व्हाइट वाला जो फ्लावर जो हम लेकर आए थे कितना प्यारा खिला हुआ है ना कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मैं इसको एडमायर कर रही थी कि कितना तो ज्यादा प्यार लग रहा है और एक जो है वो तो पेटोनिया नाम है उसका कुछ है कि वो हमारा मुरझा गया जबकि मोना के पास वही फ्लावर है वो बहुत अच्छे से खिल रहा है और यहाँ पे मम्मी जी ने प्याज लगाए थे कुछ और रोज भी बहुत सही से खिल रहा है लेकिन बाकी कुछ फ्लावर्स मुरझा गए और अब मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की कचौरी जिसके लिए मैंने मूंग को पहले से ही भिगो के रख दिया था और उसको अच्छे से मैंने ड्रेन कर लिया इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और मैंने छोले भिगो दिए थे ये मटर वाले छोले हैं ये मैंने सुबह ही भिगो दिए थे ये दो घंटे नहीं इनको भिगोने में कम से कम चार घंटे लग ही जाते हैं मैंने छोलो को पहले उबलने के लिए रख दिया जिसमें मैंने उसमें नमक और हल्दी और हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च और पानी डाल करके मैंने उसमें तीन चार सीटी लगा दी आप देख सकते हैं छोले जब तक पक ना जाए उतनी सीटी लगा वैसे छोले सुबह से सोख के हो तो मीडियम फ्लेम पे आपके तीन चार सीटी में आराम से हो जाएंगे और मूंग दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है उसको बिल्कुल ड्रेन करके पानी बिल्कुल भी नहीं डालना पीसते टाइम उसके उसका मैंने पहले जीरा डाला और जीरे को थोड़ा सा फ्राई कर लिया उसके बाद मैं इसमें तेल डाल दिया तेल डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें मूंग दाल और मूंग दाल आप शुरू में चिपकेगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये चिपक रहा है क्योंकि आप किसी में भी डालोगे तो ऐसा चिपकेगा इसमें मॉइस्चर है जब तक ये सूख नहीं जाएगा तो अच्छी तरह से हटेगा नहीं तो थोड़ी देर ही चिपकेगा तब तक आप इसे डाल दीजिए जिसमें ही, हींग डाला है कसूरी मेथी डाली है कश्मीरी लाल मिर्च डाला है थोड़ी सी हल्दी भी डाली है और अजवाइन डाला है ये सब डालकर मैं इसको अच्छे से एक मिक्स कर लूँगी और जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए तब तक आपको उसको मिक्स करते रहना है आप चाहें तो जब तेल डालते हैं तो आप बेसन डाल सकते हो उसको रोस्ट करके फिर उसके बाद आप मूंग दाल डालिए अगर आपको बाइंडिंग चाहिए इसकी बहुत अच्छी मेरे लिए काफ़ी था कि यह ड्राई ड्राई भी है तो मेरे से मैं इसको यूज़ कर सकती थी आराम से तो मैंने वो बाइंडिंग के लिए बेसन नहीं डाला है लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं ऑप्शनल है आप इसमें चाहें तो नमकीन को भी डाल सकते हो क्रश करके वो भी अच्छा सा टेस्ट देगा मतलब ये ऑप्शनल है और मैं हमेशा कहती हूँ अपने अपना टूट जरूर डालिए किसी रेसिपी में उसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च जो है वो कूट के डाल दिया काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं बहुत सारे लोग सौंफ डालते हैं और अगर आपको तुरंत तुरंत बना के तुरंत खाना है अगर नहीं रखना है इसको तो आप इसमें हर, हरा धनिया हरी मिर्च साट कर डाल सकते हो और आटा लगाने की वीडियो मुझे लगी ऑन है लेकिन ये ऑन नहीं थी आटा मैंने लगाया था मैंने मैदा लिया था आधा किलो उसे मैंने तीन चार चम्मच घी डाला था जब वो आटा ऐसा लगी बाइंड हो रहा है दैट मीन्स कि प्रॉपर आपने घी या रिफाइंड डाला है उसका यूज हो रहा है क्योंकि हमें मोयन चाहिए होता है जो है जो वो खस्ती बने और आटे में मैंने नमक और अजवाइन डाला था और गुन के उसको आधे घंटे के लिए आप रेस्ट के लिए रख दें किसी भी अच्छे से ढक करके किसी भी बर्तन में उसके बाद जब ये छोले भी उबल चुके थे मैंने कुकर को खाली किया और उसमें मैंने तेल डाला तेज पत्ता जीरा हींग ये सब डाला और उसको डालने के बाद मैंने प्याज डाल दिया अब प्याज को बहुत अच्छे से हमें ब्राउन करना है प्याज को ढक करके पकाएंगे हम अगर प्याज को आप ढक के एकदम लो फ्लेम पे पकाओगे तो एक अलग टेस्ट आता है और प्याज को अगर हाई फ्लेम पे आप उसको रेड करोगे तो एक अलग टेस्ट आता है तो उसको ढक के पकाओगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और मीन वॉइल मैंने इस मसाले को जो है दही में डाला सारे जितने मसाले होते हैं बेसिक मसाले मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर जी जीरा पाउडर और गरम मसाला ये सारे जो मसाले होते हैं और हल्दी सब मैंने दही में डाला और दही में डाल के दही को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स दिया ताकि दही फटे ना क्योंकि इसको हम छोले में डाल ने वाले थे और मसाले अच्छे से फूल जाएँ दही के अंदर ही जब मसाले मिक्स हो गए अच्छे से तो मैंने को थोड़ी देर के लिए फूलने के लग दिया तब तक मैं प्याज को भी चेक कर रही थी कि ब्राउन हुए नहीं और अभी भी ये थोड़े से और ब्राउन होने बाकी थे तब तक मैंने इसमें अदरक लहसन मिर्ची को है जो है वो काट करके डाल दिया मैं चॉपर में चॉप करके डाल देती हूँ क्योंकि बहुत बारीक बारीक चॉप हो जाता है चॉपर में और उसके बाद प्याज जब ब्राउन हो गया मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए जो दही वाले मसाले मैंने बनाए थे और ये दही जो है खट्टी बिल्कुल भी नहीं है ये हंकर्ड है तो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती हंकर्ड और कर्ड जो आप फ्रेश लें ना तो अच्छा सा टेस्ट आता है अगर आप खट्टी दही लोगे तो फिर खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है उसके बाद दही को बहुत अच्छे से मैं मिक्स करते रहना है दही को छोड़ना नहीं है डालने के बाद क्योंकि फटने का डर है तो अभी मैंने नमक नहीं डाला है बिल्कुल भी क्योंकि दही में दही डालने से पहले नमक डाल देती तो ही फट जाता तो अभी दही को मिक्स कर रही हूँ फिर उसी बर्तन को जिसमें दही का थोड़ा मसाला रह गया था मैंने पानी डाला और पानी डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मसाले में क्योंकि मसाले भी जलने लग जाते हैं और पानी डाल के थोड़ा अच्छा सा मिक्स उन्हें देना होता है तो आप देख सकते हो दही में मैंने किस तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको और दही बिल्कुल भी नहीं फटी है मेरी क्योंकि मैंने इसको कॉन्टिन्यूसी चलाया है और अब दही में से भी जो है ऑयल रिलीज होना चालू हो गया तो मैंने इसमें डालूंगी टमाटर टमाटर दही के बाद डालती हूं मैं क्योंकि अगर पहले टमाटर डालोगे फिर दही डालोगे तब भी दही के फटने के चांसेस ज्यादा है तो, तो जब दही अच्छे से कुक हो जाए ना बिल्कुल दही का मसाला तब आप टमाटर डालो और आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा रहा है अब मैंने इसमें जा करके नमक डाला है ताकि जो टमाटर का कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड पकड़ ले उसके बाद इसमें छोले डाल करके मैंने बहुत अच्छा मिक्स दिया है छोलों को भी फ्राई किया है दो चार मिनट तक इसके अंदर और अभी मीडियम फ्लेम पे मैं सारे काम कर रही हूँ उसके बाद जो छोले का पानी था जिससे मैंने पहले छोले बॉयल किए थे वो पानी मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं कुकर की लिड लगा करके इसको दो सीटी आने तक रख दूँगी वैसे छोले पक चुके हैं लेकिन ना जब आप कुकर वो जब सारे मसालों में छोले डाल कर ये चीज़ करते हो तो मसाले मिक्स हो जाते जाते हैं छोले में उसके बाद अब आटे को मैंने के के की है। और आपको इस तरह से गोल करना है बीच में आपको पतला नहीं करना बीच में फिर आप स्टफिंग भरोगे ना तो फटने का डर रहता है साइड साइड में आपको पतला करना है और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, मैंने भी कभी जैसे मूंग दाल का नहीं बनाई ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा लेकिन आप देख सकते हो आगे कैसा बना है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं पहली बार बना रही हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रही क्योंकि झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होता मतलब वो सच है बिल्कुल कि मैं पहली बार ही बना रही हूँ यूट्यूब से मैंने रेसिपीज थोड़ी बहुत देखी सर्च किया और आप इस तरह से मैंने इसको बीच में से जैसे हम वो बनाते हैं पराठे उसी तरह से स्टफिंग को करके मैंने वो गोल कर लिया और फिर मैंने उसको बेला जब मैं इसको बेल बेली थी तो थोड़ा सा बीच में नहीं खोल सा हो गया था तो फिर मैंने दूसरा बनाया और दूसरे मैंने नहीं बेला उसको हाथ से मैंने प्रेस किया आप देखो मैं दूसरा कैसे बनाती हूँ क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है और मैं अपनी गलतियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता और पहली बार आप कुछ ट्राई करो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है लेकिन हाँ उसके बाद मैंने सब परफेक्ट बनाया एक में भी फिर होल नहीं होने दिया मैंने कि मुझे पता चल गया इसको ज़्यादा बेलूंगी तो छेद हो जाएगा तो आप देखिए मैंने किस तरह से हाथ से ही प्रेस किया और बीच में आपको प्रेस नहीं करना साइड साइड में करना है मैंने बीच से ना फटने का डर रहता है और तेल को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और जो उसमें हल्के हल्के बबल्स आ जाए ना आपको लगे कि हाँ बबल्स आ रहा है तेल हल्का गर्म हो गया है तब आप ये कचौड़ियाँ डाल दीजिए और लगातार तेल जो है ना ऊपर भी डालते रहिए कचौड़ियाँ की तभी वो ऊपर से भी क्रिस्पी होते हैं खिलते हैं जब मैंने फर्स्ट टाइम ये डाला था तो मैंने ऊपर इतना तेल नहीं डाला था मतलब बाद में डाला था मुझे इतना नहीं पता चला था कि ऊपर भी डालना होता है तेल और मैंने एक में ऐसे इस तरह से डालकर देखा तो ये कचौड़ी थोड़ी अलग फूली तो मुझे पता चल गया कि नहीं ऊपर तेल डालूंगी तो कुछ डिफरेंट सा वो आएगा टेक्सचर आएगा कचौड़ियों का लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई थी मेरी कचौरी और क्रिस्पी भी हो गई थी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे खुद से भी कि हाँ ऐसा बन जाएगा लेकिन टचवुड बन गया और मैं बहुत खुश भी हुई आप देख सकते हो फूली फुली कचौड़ियाँ बनिया और जो उसमें से थोड़ा सा होल हुआ था वो भी ऐसे कुछ फट करके उसका भी मसाला गिरा नहीं हल्का फुल्का बस निकला और फिर ये देखिए मैं सेकंड राउंड में जो जो कचौड़ियाँ डाली इसमें एक भी उस तरह से होल नहीं हुआ और अब तेल को मैं ऊपर ऊपर डालूंगी ताकि ऊपर से ही फूल जाए क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था पहले टाइम में कि ऊपर डालेंगे तो एक अलग सा क्रिस्प आएगा फूलेगा आप देख सकते हो कैसे फूली फूली सी बाहर जो बाजार वाली कचौड़ियाँ होती है वैसी बनी है और मैं सच कहूँ मुझे तो प्राउड फील हो रहा था वाह मैंने कितना अच्छा बना लिया मतलब बहुत खुश थी और फिर मेरे छोले भी बन गए थे और इसका कलर इतना असम आया था कश्मीरी मिर्च का कमाल है इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है उससे कलर अच्छा आता ही है और तीखा नहीं होता है उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया बारीक काट के डाल दिया क्योंकि हरा धनिया का टेस्ट हर सब्जी में एक कहते हैं ना चार अंदर टॉप किसी भी चीज़ में एक अच्छा सा फ्लेवर देता है और देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बॉइल और आने दिया और मैंने थोड़े बहुत उसको मैश करने की कोशिश करी और घी डाला इसमें दो चम्मच उसके बाद और हो गए मेरे छोले और कचोरी रेडी और बहुत टेस्टी बने थे ये और मैं अपनी फ्रेंड के लिए प्लेट लगाई थी क्योंकि मेरे छोले कुलचे लेकर आई थी इसमें तो मैंने सोचा उसको भी देती हूँ उसको भी टेस्ट करा कराती हूँ मैं चीज़ और ये बनाने का पर्पज़ दो था एक तो मुझे क्रेविंग हो रही थी कचौड़ी खाने की और सारी दुकानें बंद थी कल मैंने राहुल को बोला था लाने के लिए तो, तो मैंने सोचा मैं खुद बनाती हूँ सबको टेस्ट भी कराती हूँ कैसा बना वाह वाह कचौड़ी तो क्रिस्पी तो है भाई मूंग दाल आते रोटियां सही बने हम मम्मी चटनी और कचौरी के बाद जो स्टफिंग्स बची थी उनके मैंने रात को पराठे बना दिए कचौरी तो लोग एक-एक दो-दो खा रहे थे बस नाश्ते में उसके बाद पराठे बना दिए मैंने मम्मी मम्मी क्या कर रही तुम ये मेरी हेल्प कर दो क्या नहीं खिलाने रूम में रहेंगे तुम रूम को तो गंदा कर देती हो फिर खिलाने के बाहर को भी गंदा करोगी रूम को ही गंदा करो जितना गंदा करना अपने रूम को गंदा करो फिर इसको साफ हम कर लेंगे यही पे खेलो अपने टेंट हाउस में टेंट हाउस में उल्टा रख रखा हो <laughs> क्या कर दो। क्या चाहिए आपको दो 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 दो। कहा जाना है उठा करके नीचे नहीं बेटा नीचे बहुत ठंड है ऊपर अपने टेंट हाउस में बेड पे खेलो ना नीचे बहुत ठंड है बहुत ज्यादा दादा कर ये ये क्या क्या हो हो? रहा है भाई? ये क्या कर रही चीकू ये ये नहीं पसंद आ रहा क्योंकि तो क्यों, आप खा के देखो एक अच्छा नहीं लग रहा आपको मैं, मैं खा के तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस उसको लाइक कर दीजिएगा शेयर कर शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय